देख है ना, देखो बाद में तेरी बस चुराएंगे, देखियो हम देखो जाएंगे टास्क पे पहुंचने के लिए गाड़ियां। फर्स्टली गाइस कांग्रेचुलेशन खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस की जर्नी काफी कमाल की थी दोनों की। खतरों के खिलाड़ी किस तरह से देखते हो जर्नी को? आई थिंक बहुत मजा आने वाला है एंड घर के अंदर भी रह लिए, अब कंट्री के बाहर जाने हैं साथ में एंड देखते क्या होने वाला है। बहुत मजा आने वाला है जो भी होने वाला है एंड इट विल बी अ लॉट ऑफ फन एंड ये तो बहुत बड़ा फट्टू है। देखो एक है हमेशा, मतलब जो आपने देखा ही होगा, हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, हम अपनी लगन शिद्दत से एक शो को बहुत सीरियसली लेते हैं। वही कोशिश रहेगी, शो पे क्या होता है आई थिंक वो उधर ही जाके पता चलेगा, जब एक्चुअली जानवर वानवर और वो सब चीज़ें होगी तब एक्चुअली हम कितने पानी में हैं तब पता चलेगा। बट येस डेफिनेटली कोशिश ये रहेगी कि वी विल रॉक इट, वी विल इन्जॉय द शो, और लोग बोलेंगे कि बाबा ये खतरों के खिलाड़ी सीज़न में निशान और प्रतीक को देख के भाया है, बहुत मज़ा आया, 3-5 इन्होंने दे दिया लाइफ में। स्टंट बेस्ड शो है, मेंटली और फिजिकली काफी चैलेंजिंग रहता है, किस तरह से प्रिपरेशन हुई है? प्रिपरेशन आई थिंक कर लोगे तो फिर एक्सपेक्टेशन हो जाती है, एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिसअपॉइंटमेंट। सो प्रिपरेशन अपने माइंड को ये करके रखो कि जो भी होगा देखा जाएगा, बट नेवर बी प्रिपेयर्ड कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, वो वहां पे सब कुछ जो होगा वहीं पे तभी के तभी जब हो जाएगा ना, मतलब जब रोहित सर बताएंगे कि ये स्टंट है आपको ये करना है, वो तब देख के जब कुछ भी होगा, मतलब उस सिचुएशन में आने के बाद आई थिंक नेचुरली हमारा दिमाग चलेगा। क्योंकि एक चीज मैं इसके बारे में मेरे बारे में कहूंगा कि हम मेंटली है थोड़े स्टेबल और स्ट्रांग, तो आई थिंक दैट इज आर व्हाट यू कॉल यूएसपी, और उस वही करेंगे, बाकी तो सब इट्स ओ देयर। किस चीज से ज्यादा डर लगता है, वाटर स्टंट या एनिमल स्टंट? मुझे किस चीज से? मुझे तो हर चीज से डर लगता है, दैट इज माय व्हाटएवर। ये मैं ये सब यहां पे बोल नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने जनरली लाइफ में सारी चीजें करी नहीं, मैंने इसने भी नहीं करी, बट इसका एक एटीट्यूड है, चीज़ों को देखने का नजरिया एक देखने का मेरा बहुत अलग है, मैं वो चीज़ें ट्राई नहीं करता, मैं चिल करना पसंद करता हूँ, सो इट इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी ऑल्सो, बट जितना है मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ। मुझे लगता है कर लेगा यार, ये भी मेंटली बहुत, क्योंकि मेंटली हूँ मैं स्ट्रांग, अगर कुछ करना चाहेगा तो कर लेगा, अगर नहीं करना चाहेगा तो फिर ये साफ बोलेगा मेरे को करना ही नहीं है। राजीव इज ऑल्सो देयर, 3-5 होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है? नहीं उसका सॉर्टेड है ना पापा, उसको तो बंद कर देंगे टॉयलेट में, वो पहुंचेगा नहीं स्टंट पे, तो कैसे होगा? मतलब एक चीज पता है कि भाई पहला तो आउट होगा, ठीक है, उसके बाद मैं आउट होगा तो मतलब शर्म नहीं आएगी मुझे कि मैं पहले शो से आउट हो गया, बट आई एम श्योर ही विल आल्सो नेल द शो, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। श्रीलंका की फ्लाइट में चढ़ा देंगे हम। हां, और श्रीलंका कंपटीशन किस तरह से देखने मिलेगा? अरे हम तो मस्ती करते हैं, हमने तो करेंगे, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू कमिंग फेस टू फेस, निशांत चल तेरे को देख लूंगा मैं। देखो जैसे बिग बॉस में भी आपने देखा था, हम जब कंपटीशन था हमने कंपटीशन किया है, बट जब चिल करना होता है फन करना होता है तो हम हमेशा वो करते हैं, तो आई थिंक वी विल डू द सेम थिंग। बट और ये शो ऐसा है कि हमको एक दूसरे से कम्पीट करना है, लेकिन वो स्टंट जो करेगा इंसान वो आगे जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो पीछे रह जाएगा, सो डिपेंड्स कि क्या होता है उधर जाके, सो विल सी। तेजस्वी से बातचीत हुई क्योंकि ऑफ कोर्स होती है पार्ट ऑफ द शो, कोई टिप उन्होंने दिया? तेजा ने मुझे बोला बाबा कसा करशील तू, तेरे से कैसे होगा, बट उसने बोला कि तू टेंशन मत ले, तू चिल कर, तू जाके सिर्फ बिंदास कूदी मार के कर ले एंड यू विल डू इट, क्योंकि वो भी शायद से सीधा बिंदास फोकस होके करती थी। मैंने देखा था उसका एक स्टंट जब वो पानी में, उसने वो अंडर वाटर थी और वो किसी उसमें थी कांच के उसमें, और उसने सर मार लिया था कांच में अपना, उसके बाद वो बाहर हो गई थी, ऐसे उसकी चोट लगी थी, उसके आंख को कुछ हो गया था, तो उसने सर मार लिया था अपना कांच पे, एंड आई सॉ दैट टास्क रिसेंटली, देखा मैंने, तो ठीक है बस वही बात समझ में आई कि भाई पैनिक नहीं करना बस, क्योंकि दूसरों को देख के ये चीज समझ में आ रही है कि बस काम रहोगे तो सब काम से काम हो जाएगा। लास्टली मैंने पार्ट ऑफ अ नई रियलिटी शो, एडजस्टमेंट फैक्टर जो होता है ना, पीपल डिफरेंट मेंटेलिटी डिफरेंट बिहेवियर, वो कितना सीखा वो तो करते ही आए आज तक भाई, अलग अलग तरीके के जानवरों से मिल रहे हैं, भुगत रहे हैं सब कुछ, हम भी जानवर बन गए उनके साथ साथ रह रहे थे, तो आई थिंक वो तो कर ही रहे हैं, एंड आई थिंक उसमें तो कोई अब कोई दिक्कत ही नहीं रही यार, वो तो चैंपियन मुनावर फारूकी भी है नाम, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन किया? बिकॉज एलिमिनेशन टास्क में यू हैव टू डू वन वर्सेस वन, चैंपियन प्लेयर आ रहा है, तुम्हें कुछ तो प्रिपरेशन किया रही कि मुनावर फारूकी के लिए? देखो हम लोग अपना बेस्ट देंगे, हम अपना फाड़ेंगे, सब अपना अपना फाड़ने के लिए आए शो पे, एज इन सभी चैंपियंस है, तो सब अपना करें, हम अपना करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या अच्छा लड़का है वो, गॉड ब्लेस हिम, गॉड विशेस फॉर हिम एज वेल, एंड बाकी वहां जाके देखते हैं क्या होता है। रोहित सर के साथ भाई वहां पे कंपटीशन हमारे साथ किसी का, हमारा किसी से नहीं है, किसी का हमारे का खुद से, वहां पे पानी से कंपटीशन होगा जिसका होगा, वहां पे सांप से कंपटीशन होगा जिसका होगा, मेरे से कोई लड़ने नहीं आ रहा वहाँ पे, ना मैं किसी लड़ने जा रहा हूँ, मैं खुद से लड़ने जा रहा हूँ, अगर कोई मुझसे लड़ेगा वहाँ पे तो वो बेवकूफ होगा फिर। रोहित सर से के साथ काम करने में कितने ज्यादा एक्साइटेड? सलमान सर से आप लोगों ने काफी काम किया, सलमान सर ने आपकी काफी तारीफ की थी, स्टार्टिंग में थोड़ा चिल्लाया था बट एट द एंड ऑफ तारीफ काफी की थी, रोहित सर से काम करने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड? आई थिंक बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज ही इज वेरी इंस्पिरेशनल, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, एंड आई थिंक
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिंदगी में, क्योंकि वो बहुत बड़े अच्छे मेंटर है वो. मतलब मैंने उनके साथ एक शो किया है पहले, सो मैं उनका तरीका पता है काम करने का कैसे. उन्होंने बहुत लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, सिखाया है. तो यही रहे, लाइक वी फील लकी दैट वी आर पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी अंडर हिज गाइडेंस, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाएंगे जो हमको खुद को पता चलेगी उस शो पे, विच विल बी आगे के लाइफ में यूजफुल. वो जो मूवमेंट होती है स्टंट करने वाली, उस समय जो एक आवाज़ कान में आती है वो सिर्फ उन्हीं की आवाज़ आती है, और उनकी एक आवाज़ से बहुत इंपैक्ट पड़ता है इंसान की उस मूवमेंट पे, उस जिंदगी में. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट्स गोइंग टू यू नो गेट अस थ्रू. लास्टली अ स्मॉल मैसेज टू ऑल योर फैंस. आई थिंक बस इतना बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. अपना ख्याल रखिए, हम जा रहे हैं, हम आएंगे, जीत के आएंगे. अपना ख्याल रखिए तब तक, और स्टे हेल्दी. गॉड ब्लेस यू. प्यार देते रहना, मतलब हम उतना ही एंटरटेन करते रहेंगे आपको. एंड प्लीज वॉच खतरों के खिलाड़ी और कीप लविंग द शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चप्पल भी पूरी नहीं पहनी है. मैंने भाई हंगरी लेटर दोनों को साथ में देख के फैंस काफी एंटरटेन होने वाले हैं. मजा आने वाला यार, पानी में डूबते हुए देखेंगे एक दूसरे को हम. मैं तो इंटरव्यू में देख रही हूँ आप लोग इतना मजा कर रहे हो, बाहर तो क्या करोगे. मजा आने वाला है. एक्चुअली हुआ है आफ्टर बिग बॉस, मतलब जितना हम लोग ने बाहर बातें की है ना, लाइक वी हैव बिकम मोर चिल्ड आउट. मतलब बहुत ज्यादा चिलर हो चुके हैं बिग बॉस में रहते हुए. इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है मेंटली यार. तो वहाँ पे झगड़े बगड़े आसानी से होते, बट यहाँ पे आके ठीक है, अभी अभी हम नॉर्मल है, ठीक है. बट देखते हैं वहाँ जाके खतरों के खिलाड़ी जो है, लॉट ऑफ फन. आई एम श्योर मजे आएगा फैंस को. राजीव भी साथ में है. राजीव भी तो मजा आएगा. इस फन यार, एक जन को मिस, हमें तो मजा आएगा, उसको कितना मजा आएगा ये नहीं पता. या बट आई थिंक उन्होंने किया है, दो बार किया है आई थिंक, दो या एक बार.